डियर स्टूडेंट प्लस टू सी क्लास, ये हम जो है टाइम रिवाइवल टेस्ट एंड फैक्टर रिवाइवल टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको फिशर मेथड निकालने को करवाया था पहले, उसी तरह हमने फिशर मेथड को निकाला। पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो पी वन क्यू वन हमें गिवन है, और पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो हमने मल्टीप्लाई करके निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 25 आ गया, 8 3 24 आ गया, 6 2 12 आ गया। इसी तरह पी वन और क्यू को करा, 5 2 10 आ गया, 7 3 21 आ गया, 5 2 10 आ गया। पी वन क्यू वन को इसी तरह 12 2 24, 6 7 42, 2 5 10। इसी तरह लास्ट जो है पी क्यू और पी ज़ीरो क्यू वन कर निकालना है। पी ज़ीरो आपके पास 5 है और क्यू वन जो है आपके पास सी है, 5 2 12 5 60 आ गया। इसी तरह 6 8 48 आ गया और 2 6 12 आ गया। सभी का टोटल लगाएंगे। ये बेटे आपने लेसपियर और जो पास्ट है उनका फार्मूला आपने अंदर लिख लेना है जब फिशर मेथड निकालते, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद उसका अंडर रूट निकालना है, तो फिर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नई चीज़ आ रही है वो है टाइम रिवाइवल टेस्ट। टाइम रिवाइवल टेस्ट में बेटे आप क्या करोगे, P01 × P10 आ गया। ये फिशर का ही सारा फार्मूला है, इसमें आप थोड़ा उल्टा कर लोगे। इसको मैं करने का तरीका बताती हूँ। ये नीचे जो दिया गया है ये ऊपर लिख लिया, उल्टा कर दिया इसको, ये कर लिया, इसी तरह इसको भी उल्टा कर दिया। ये आपका P10 का फार्मूला बन गया। अब इसको हम देखो, इसमें P1 Q0 आपस में कट रहे तो काट दिया, आगे ये भी आपस में कट रहे काट दिया, इसको भी काट दिया, और इसको और इसकी वैल्यू आ गई 1। ये था टाइम रिवाइवल टेस्ट, और इसमें हम वैल्यू पुट करके बताएंगे भी। इसी जो गिवन है हमारे पास उसकी सभी जो वैल्यू थी वो यहाँ से लेके यहाँ पर कर देंगे। इसमें दूसरे में हम ओपोजिट में कर लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपस में काटो तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये आपका टाइम रिवाइवल टेस्ट है। बेटे अब आता है फैक्टर रिवाइवल टेस्ट। इसमें P01 निकालना है × Q01 निकालना। इसका आंसर जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए सिग्मा P1 Q1 ओवर सिग्मा P0 Q0, तभी आपका आंसर ठीक होगा। तो आप पहले फिशर का ही मेथड लगाएंगे। अब बेटे जो है, जैसे आप P1 Q0 लिखते थे ना, अब Q01 में Q पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा। 10 उसी तरह से रहेगा जिस तरह से ये रहा, बस इसमें क्या करना है, P को बाद में लिखना है और Q को फर्स्ट पहले लिख देना। उसके बाद हम फिर कट के देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कट जाती है। सारी कट गई और ये दोनों रह गई और ये भी दोनों रह गई। जब ये दोनों रह गई, देखो एक जैसी लग रही हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने वैल्यू को पुट करा, वैल्यू पुट करने पर भी ये जो है ये रह गया, बाकी सारा कट हो गया। ये दोनों एक जैसे हैं, 76 और 76, तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को स्क्वायर अंडर रूट से काटा तो ये आपका आंसर आ गया। बेटे ये नया समय, इसलिए इसको अच्छी तरह से करना। थैंक यू।